माँ भगवती जगदम्बा भगवान की एकमात्र प्रकृति कही गई है। मैं कई दिनों से भी बोलती हूँ। कहते हैं ये पराम्बा जगदम्बा जिस प्रकृति को चला रही हैं, भगवान के कहने पर एकारो प्रकृति महाभाव स्वरूपिणी, ये भगवान की शक्ति से सबको माया में वशीभूत कर देती है। तीन प्रकार की माया है, एक योग माया, एक जीव के ऊपर जो जीव शक्ति पर कृपा करती है उन्हें माया में वशीभूत करती है, वो एक परामाया जो भगवान नारायण की शक्ति है। तो कहते माया के भ्रमर में जीव फंसा है, लेकिन जब वो प्रभु की ओर मुड़ जाता है तो उसे परामाया की प्राप्ति होती है, यानी उसे भगवत भक्ति प्राप्त होती है। संसार की ओर होते तो वही भक्ति माया है, और जब भगवान की ओर मुड़ते हैं तो वही माया फिर भक्ति प्राप्त हो जाती, भगवान से मिला देती। तो आप जगदम्बा भवानी के पास खड़े हो ना, तो प्रभु से, माँ से, जगत जननी से कहो, माँ वात्सल्य की मूर्ति है, आपको त्रिभुवन को जन्म देने वाली, त्रिभुवन पर कृपा करने वाली ऐसा कहा गया है। देव किन्नर दानव आदि मनुष्य आदि आपकी कृपा से पलते हैं। हे जगत जननी, हमें भगवान से प्रेम हो जाए, हमें परमपिता परमात्मा से प्रेम हो जाए, हमें ऐसी भक्ति दें। जड़ भरत जी को भगवत प्राप्ति ऐसे नहीं हो गई, उन्होंने जब भगवत भक्ति करते थे तो एक दिन उनको, कथा आपने सुनी होगी, चौथे दिन जड़ भरत जी महाराज की, जो पागल बनकर रहते थे, तो उनको एक बार जंगल में पड़े थे तो उनको कुछ आदमी उठाकर ले गए, वो थे ये जंगली लोग, उन्होंने काली मैया के सामने उनको लिटा दिया और बड़ी सी तलवार लेके उनका सिर काटने वाले थे, और बेचारे कुछ नहीं बोले, लेट गए, कोई लड़ाई झगड़ा दंगा नहीं किया कि तुम होते कौन मेरी गर्दन काटने वाले, लेकिन नहीं, महाराज चुपचाप लेट गए। कहते हैं माँ भगवती अपने भगवान हरि के भक्तों को ऐसा देख नहीं सकती, तो वहां भद्रकाली मूर्ति में से प्रकट हो गई और उन्होंने सारे उन जंगलियों को मार दिया। लेकिन जब देखा कि सबको मारने के बाद भी अभी वो वहीं के वहीं जड़ भरत जी लेटे हुए हैं, तो फिर उनके केसों पर हाथ फेरा और कहा, पुत्र ये कैसा शरीर तुमने धारण किया, शरीर का मतलब होता है अपनी रक्षा करना, तुम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। तो जड़ भरत जी माँ के चरणों में गिर पड़े, बोले माँ, माँ मैं तो नन्ना सा शिशु हूं, बड़ा बालक होता है वो अपनी रक्षा कर सकता है, पर मैं तो आपके आश्रित हूँ, जब जगत के माता पिता मेरी रक्षा के लिए उपस्थित रहते हैं तो भला मैं अपनी रक्षा क्यों करूँ, मैं अपना बड़प्पन क्यों करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे से रक्षा होने वाली मेरी नहीं है। तो विमल भक्ति का आशीर्वाद माँ भवानी ने दिया, तब भगवत भक्ति और ब्रह्म की प्राप्ति हुई। किनको? जड़ भरत जी को। तो कहते माँ जगदम्बा कृपा करती है, आपको पता है, आप वैष्णो देवी के विषय में जानते होंगे, आप सभी जम्मू में हैं माँ वैष्णो देवी। हमारे निम्बार्क संप्रदाय में 12 द्वार शाखाएं हैं, उनमें से कहते हैं वैष्णो देवी को भी शाखा माना जाता है निम्बार्क संप्रदाय की, क्योंकि हमारे यहाँ उन्हें वैष्णवी, हमारे यहाँ के निम्बार्की संत जाकर के वहाँ वैष्णो देवी को दीक्षित किया। पहले वहाँ मांस मदिरा का अत्यधिक ज़्यादा उपयोग होता था, लेकिन वो संत वहाँ रुके नहीं, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ जब देवी जी प्रकट होकर आई, उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ आप हरि का भजन करें, मैंने बहुत दिनों से नहीं सुना, हरि कथा चर्चा करें। बोले हम नहीं सुनाएंगे देवी जी, आपके यहाँ मांस मदिरा का भक्षण होता है। तो उन्होंने कहा मैं नहीं करती, ये यहाँ के लोग करते हैं। बोले तो आप तो सामर्थ्यवान हैं, जगत जननी हैं, आप चुपचाप क्यों सहती हैं? तो फिर क्या हुआ, वहाँ के जो सरपंच आदि वो थे, उनके खाट से ही पलट दिया और एक साथ बहुत सारे लोगों पर आकर के कहा, अगर यहाँ पर दोबारा से मांस मदिरा का भक्षण किया तो सर्वनाश कर दूंगी। तो फिर डर के मारे सब ने बंद कर दिया महाराज,
और तब से वहाँ वैष्णवी नाम पड़ा, यानी वैष्णव दीक्षा प्राप्त करने के कारण वैष्णवी हो गई, भगवान विष्णु की प्रिय हो गई। इसलिए आज भी आप देखेंगे वहां बाल गोपाल की भी पूजा की जाती है पास में। क्योंकि माँ जगत जननी, कई लोग सोचते हैं कि शराब आदि, मांस मदिरा आदि माँ का भोजन है। याद रखिएगा, ये भोजन माँ का नहीं है, ये तो तंत्र विद्या वाले लोग करते हैं जिनकी तामसिक वृत्ति है। शुद्ध सात्विक वृत्ति से माँ भगवती की पूजा करेंगे, सेवा करेंगे और वैसा मानेंगे, और आशीर्वाद में भाव, वो तो सबको भौतिक सुख की कामना होती है, आप मांगे कोई बुराई नहीं है, लेकिन माँ भगवती से सबसे ज्यादा भगवत प्रेम की मांग अवश्य करें। कि सब कुछ मिल सकता है, लेकिन जीवन में जो मिलने योग रहेगा ना, वो नहीं मिल पाएगा, वो केवल भगवत कृपा से मिलेगा। प्रभु कृपा करें तो भगवत प्रेम उपस्थित होता है।